मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बड़ी साजिश हो रही है। निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लान छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं, सबकी जांच की जाए कि आखिर बक्सों में भरकर आ क्या रहा है। छापों के नाम पर आ रही ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच कराई जाए। प्रदेश के लोगों को आशंका है कि चुनाव हारता देख भाजपा भर भर कर रुपया ला रही है और इसका उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाएगा। उसी चीटिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहां तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं, और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं, हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं कर सकते हैं लोग, ये किसी स्तर पे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, वैसे हमारे पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और कि वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है तो निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? और अभी जितने वहां जा रहे हैं, जहां जहां वो बट रहे हैं, उनके सबकी चेकिंग होनी चाहिए। पीएम मोदी सभा है और रमन सिंह जो है कवर्धा प्रचार करने जा रहे हैं।